सिद्धार्थ शुक्ला की मौत फैमिली फैंस और फ्रेंड्स के लिए बहुत बड़ा सदमा है। बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी मां रीता शुक्ला का पूरा हाल है। जवान बेटों को खोने के गम में रीता शुक्ला पूरी तरह से टूट चुकी हैं। बेटे सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में मां रीता का बुरा हाल था, क्योंकि सिद्धार्थ उनके तीनों बच्चों में सबसे छोटे थे और माँ के सबसे लाडले थे। इसकी एक झलक बिग बॉस के घर में देखने को मिली थी, जब बेटे को इतने दिनों के बाद सामने देखने पर रीता शुक्ला बहुत इमोशनल हो गई थी। सिद्धार्थ शुक्ला अक्सर अपने इंटरव्यू में मां रीता शुक्ला के बारे में बात करते थे। सिद्धार्थ ने बताया था कि लोग मुझे एक बाहरी तौर पर रूड व्यक्ति के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी मां के लिए पिघलता हूं। जब से मैं पैदा हुआ हूं, वे मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रही। मैं तीन बच्चों में सबसे छोटा था और अपनी बहनों के साथ खेलने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए मैं हमेशा माँ के पास रहता था। जब मैं एक बच्चा था तो मैं रोता था और उनके बिना एक सेकंड नहीं रहता था, इसलिए रोटियां बनाते समय भी वह मुझे एक हाथ से पकड़ती थी और दूसरे हाथ से अपना काम करती थी। सिद्धार्थ शुक्ला ने इसी इंटरव्यू में खुलासा किया था कि बचपन के बाद भी उनकी माँ हमेशा उनकी सबसे अच्छी दोस्त रही। अभिनेता ने कहा, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। हर बार जब मैं खेलकर घर वापस आता तो हम सब कुछ बातें उनको बताते थे, जबकि अन्य बच्चे अपने माता पिता से बातें छिपाते थे। मैं उनको अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता था। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की और बहुत कुछ सिखाया। मैं एक शरारती बच्चा था जो मुसीबत से दूर हो जाता था, लेकिन जब माँ ने मुझे हमेशा ईमानदार रहने के लिए कहा तो मैंने अपनी गलतियों को सुधारा। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।